अगला है कि डाइटिंग करूं या फिर वेट लॉस कैसे करना है मेन, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं वो डाइटिंग करने चले जाते हैं, डाइट पर ध्यान देते हैं या फिर किसी डाइटिशियन से अपना डाइट प्लान बना लेते हैं, जो कि कभी काम नहीं करता, ज़्यादातर काम नहीं करता। तो अब होता क्या है, आपको एक डाइट प्लान बना के दे दिया जाता है, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ता है। उसमें एक तरीके से आप ऑब्सेसिव कंपल्सिव ईटिंग का आपका एक हैबिट बन जाता है कि आपको भूख लगी हो ना लगी हो, उसने बोला है आपको खाने के लिए तो आपको खाना है, और आपको ब्रेकफास्ट में जो बोला है कि ये खाना है तो आपको वही खाना है, ऑप्शन आपके पास ज़्यादा होंगे नहीं। इसके मुकाबले मैं प्रेफर करता हूँ और काफ़ी टाइम से करता भी आ रहा हूँ, एक काम करता हर किसी के लिए, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग, एक है 16 आवर्स और एक है 24 आवर्स। 16 आवर्स वाला आपको डेली करना होता है, 24 आवर्स वाला आपके बीच में एक ही अगर करना है। मेन फोकस होता है कैलोरिक डेफिशिट पे जाना, कैलोरिक डेफिशिट पे जा सकते हैं आप। सबसे बेस्ट तरीका मेरे को लगता है आज तक भी वो है 24 आवर्स ऑफ फास्टिंग, ऑल्टरनेट डे वीक में 2 बार। उसमें क्या करना होता है 24 आवर्स वाले फास्ट में, आपको कुछ नहीं खाना उस दिन, कैलोरिक इंटेक बिल्कुल आपको जीरो रखना है। लेकिन शुरू में आप करेंगे तो आप पूरा दिन निकाल देंगे, लेकिन इवनिंग में थोड़ी सी क्रेविंग्स आपको आने लगती हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप कॉफ़ी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी शुगर फ्री विद 1 or 2 स्पून ऑफ मिल्क, वो ना के बराबर की कैलोरीज होती हैं। तो अब उसमें आप देखिए कितना आपने पूरे दिन अगर कुछ नहीं खाया, आपने ब्रेकफास्ट भी स्किप कर दिया एक तरीके से, और क्या नाम लंच भी स्किप कर दिया और फालतू कोई कैलोरीज ली नहीं, तो अब ऑलमोस्ट आपको 100 to 1000 to 1500 कैलोरीज का आपके डेफिसिट आ गया, अगर आप 2000 कैलोरी दिन में लेते हैं तो, और शाम को आपने जो नॉर्मल है डिनर किया तो 500 कैलोरीज वहाँ पे आ गई। फिर अगली बार आपने एक दिन छोड़ के फिर ये किया तो फिर क्या हुआ, उससे और आपका 1500 कैलोरीज का डेफिशिट या 1000 कैलोरीज का डेफिशिट आ गया वहाँ पे। तो वेट लॉस का सीधा लेना देना कैलोरिक डेफिशिट से है, आपका वर्कआउट या फिर आप सोचते हो कंपेंसेट करेगा कि मैं आज खा लेता हूँ कल वर्कआउट कर लूँगा, वो काम नहीं करता। और फिर ऐसे करते करते आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि कैसे कंपेंसेट करना है चीज़ों को। सपोज मैं किसी दिन में कहीं पार्टी की कुछ खा लिया मैंने, तो अगले दिन मैं क्या करूँगा, फास्टिंग तो मैं कर दिया, अगले दिन ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया या फिर लंच स्किप कर दिया, तो कम खाने की आदत ना थोड़ी सी अच्छी होती है। हम जनरली हम ज़्यादा खाते हैं, वेट लॉस के बारे में बात कर रहा हूँ, मसल बिल्डिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली हम ज़्यादा खाते हैं, तो कम खाने की आदत है वो बहुत अच्छी है और वो इससे आती है। धीरे धीरे क्या होता है ये करने से, फास्टिंग करने से आपका जो स्टमक का जो साइज़ है ना वो कम होने लगता है, स्टमक का साइज़ कम होने लगता है तो आप जल्दी फिल्ड महसूस करते हैं। पहले आप अगर 4 अगर आप रोटी खा सकते थे तो अभी आप 2 में आप काफ़ी फिल्ड महसूस करते हैं, आप लगता हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें हेल्प करती हैं टाइम वाइज, और शुरू में आपका जब वाटर वेट गिरना शुरू होता है पहले, तो उसके बाद आपका फैट बर्निंग प्रोसेस शुरू होता है। तो शुरू के पहले वीक में ही आपको जब रिजल्ट दिखने लगते हैं ना 24 आवर्स वाले फास्टिंग में, तो आपका उसकी तरफ इंटरेस्ट भी बन जाता है कि हाँ मेरे को ये करना, कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर, आप एक बार करेंगे फास्टिंग तो आपको इंजॉय करने लगेगा उसको एक्चुअली में, और फिर आपको एक तरीका पता चल जाएगा किस तरीके से टैकल करना है अपने वेट को, किस तरीके से कैलोरीज को टैकल करना है, और ये बहुत आसान तरीका है और काम करता है। तो यही है कि बजाय डाइटिंग के मैं प्रीफर करता हूँ फास्टिंग, और वो भी 24 आवर्स। 16 आवर्स का फास्ट भी आप कर सकते हो जो आजकल बहुत पॉपुलर है, लेकिन उसमें क्या होता है आपको डेली करना होता है, अगर आपकी लाइफस्टाइल में सूट करता है तो फिर अच्छी बात है कि कई लोग उठते ही सुबह मेरे ख्याल से 10-11 बजे, अगर कई लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो कि सुबह उठे एम्प्टी स्टमक वर्कआउट किया, वर्कआउट करने के बाद 1-2 बजे लंच किया, फिर अपना सीधा रात को डिनर किया 10 बजे, और फिर 16 घंटे का गैप देना उनको, बस अगले दिन दोपहर को 2 बजे करना है। लेकिन उसमें क्या होता है, मेन फास्टिंग का जो कंसेप्ट है जो इतना पॉपुलर हुआ है वो है, एक तो जो मैंने बताया कि आप कम खाते तो स्टमक का साइज़ जो कम होता है वो तो है, दूसरा आपका टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन लेवल और इंसुलिन लेवल थोड़ा नीचे जाता है, तो उससे टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन हम जानते हैं कि भाई एक तरीके से फैट बर्निंग हार्मोन भी काम करता है, मसल बिल्डिंग तो में हेल्प तो करती है, एक तरीके से वो फैट बर्निंग हार्मोन्स भी हैं। तो जितना आप इसमें जाते हैं क्या नाम फास्टिंग में, जितना टाइम तक आप इसको फास्ट करते हैं उसका ग्राफ जो इंसुलिन का है वो नीचे आता जाता है, और जो टेस्टोस्टेरोन ग्रोथ हार्मोन है उसका थोड़ा बढ़ता जाता है। जितना ये स्पाइक करेगा उतना बेटर होगा। 16 आवर्स में सपोज वो यहाँ है तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 आवर्स में वो बहुत ज़्यादा पीक पे होता है। हालांकि उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वर्कआउट करते हैं एक्सरसाइज करते हैं तो आपको चाहिए कहीं ना कहीं से पावर एनर्जी चाहिए आपको, तो मैं प्रीफर करता हूँ 24 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए,
और कई स्टडीज़ हुई हैं, ऐसा भी हुआ है कि 48 आवर्स तक लोगों ने फास्ट किया है, 36 आवर्स तक किया है, तो उनके टेस्टोस्टेरोन ग्रोथ हार्मोन में कोई ड्रॉप नहीं हुआ है। तो काफ़ी स्टडीज़ ऐसे आप सर्च करेंगे गूगल पे मिल जाएगी आपको। तो ये हमेशा काम करता है और ये इंडियन योगिक सिस्टम में तो काफ़ी पहले से चलता आ रहा है 16 आवर्स वाला फास्टिंग, तो कि वो दिन में बस दो बार ही खाते हैं और 16 आवर्स के आसपास वो एंटी स्टमक ही रहते हैं, और उस टाइम पर आपका ब्रेन भी काफ़ी अच्छे से फंक्शन करता है जब आप एंटी स्टमक रहते हैं। लेकिन बॉडी बिल्डिंग अगर आप करते हैं तो इसका उल्टा है, आपको 4-5 बार, एथलीट की बॉडी ना एक तरीके से एसिमिलेट अच्छा करती है, अगर आप 5-6 छोटी छोटी मील लेते हैं तो 2 मील में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो इतना एकदम से आप कैलोरीज कंज्यूम करेंगे तो दिक्कत देता है एथलीट्स को, खासतौर पर ना इतना तो ये मेन चीज़ें हैं कुछ के लिए, इसलिए प्रीफर करता हूँ। डाइटिंग का क्या है, मैंने बताया आपको, वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव ईटिंग ज़्यादा है और नहीं काम करती। मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले, क्या नाम, मैं 2004-05 से मैं वो करा रहा हूँ अभी लोगों को, मैं पहले जिम में भी जॉब किया है, मैंने नहीं देखा कभी किसी के लिए वो चीज़ काम करती। उसके उलट फास्टिंग जो है वो एक तरीके से लाइफस्टाइल, लाइफ लॉन्ग आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। जब आपको लगे वेट बढ़ रहा है आप फास्टिंग शुरू कर दो और आपको दिक्कत भी नहीं होगी कोई, शुरू में दिक्कत होती है उसका मैंने इलाज बता दिया, ब्लैक कॉफ़ी आप देखो, अगर वैसे डाइट कोको सब बुरा मानते हैं लेकिन उसमें जो थोड़ा सा कैफीन होता है उसको आपको बूस्टअप कर देता है, थोड़ा सा डाइट कोक ले सकते हो। कई चीज़ें हैं आपको चीज़ें टैकल करनी आ जाती हैं, तो डाइटिंग की जगह फास्टिंग 16 आवर्स हो या फिर वो 24 आवर्स हो, मैं प्रायोरिटी देता हूँ 24 आवर्स को, कर सकते हैं आप 16 आवर्स भी,